तो दोस्तों बेसिक वीडियो एडिटिंग करेंगे हम फिल्मोरा में। बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं प्लस माइनस टेक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों मैं अपनी होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ, फिल्मोरा वंडर शेयर ओपन कर लेता हूँ। तो फिल्मोरा वंडर शेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। फुल फीचर मोड में जाएंगे अपन, क्योंकि ये जो बाकी सारे मोड है ना, हमको फुल फीचर मोड में मिल जाएंगे दोस्तों। कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखेगा और ये प्रोजेक्ट बार है और ये ऊपर इंपोर्ट करने वाले आइटम में वो जाया जाएंगे अपने। इंपोर्ट अपन सिंपल कर सकते हैं, ये यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाना है, इंपोर्ट, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर अपन सिंपल अपना कोई भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, और वरना अपन यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं इस ब्लू वाले को दबा के। जैसे कोई प्रोजेक्ट अपना इंपोर्ट कर लीजिए, अब मैं मेरी तीन वीडियो इंपोर्ट करूँगा वीडियो में जाकर। ये मेरी तीन वीडियो हैं, इनको मैं इंपोर्ट करके आपको वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। बेसिक वीडियो एडिटिंग करेंगे आज अपन, ज़्यादा कोई हाई लेवल वाली नहीं होगी। तो दोस्तों ये मेरी तीनों वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ चुकी हैं। अपन सिंपल ऐड भी कर सकते हैं, सीधा प्रोजेक्ट बार में आ जाएंगे, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। और अभी मैं डिलीट करके बता देता हूँ कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे इसको ले सकते हैं। सिंपल यहाँ पर सेट क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉप कर लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप अपन सिंपल कर लेंगे, आ जाएगी अपनी तीनों वीडियो मैंने ऐड कर ली। जैसे ऐड होती जाएंगी ब्लू टिक लगता जाएगा वीडियो के नीचे। तो दोस्तों ये तीनों वीडियो ऐड हो चुकी हैं, अब अपने करना क्या है, इनको सिंपल एडिट करेंगे अपन। दोस्तों पहले अपन एडिट करेंगे आवाज़, क्योंकि आवाज़ इस वीडियो में बहुत ही घटिया है। इस आवाज़ ये जो कि आप सुन सकते हैं काफ़ी घटिया आवाज़ है, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी इस चीज़ में, ठीक है। तो अभी अपन इसको है ना हटाएंगे, कुछ इसी तरह की दोस्तों वीडियो में आवाज़ है, अपन इस आवाज़ को हटाएंगे। और इसके बाद अपने को करना क्या है, सिंपल ऑडियो अटैच कर देना है, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक दबा के अपने को ऑडियो अटैच करने का ऑप्शन आ जाएगा। अपन ऑडियो अटैच कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक दबा के ही इस ऑडियो को डिलीट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल ये ऑडियो डिटैच हो चुकी है और अपन ने ऑडियो डिलीट भी कर दिया है। सिंपल अपन कोई भी अपना दूसरा गाना वगैरह उठा के इस वीडियो में डाल सकते हैं, जो कि मैं अब आपको आगे डाल के दिखाऊंगा। अपनी जो वीडियो की जो ऑडियो है वो हट चुकी है दोस्तों, वीडियो की जो ऑडियो है वो हट चुकी है। अपन इसको सिंपल पता है क्या करेंगे, अपनी जो आगे वाली वीडियो है इतनी सी तो चली रहने देंगे, और जो आगे वाली वीडियो है उसको फास्ट फॉरवर्ड करनी है, तो फास्ट फॉरवर्ड करनी है, तो जो अपन कट का निशान है स्प्लिट कर देंगे, तो ये जो अपनी जो लाइन आएगी ना बीच में ये दिख जाएगी अपनी, जब वीडियो स्प्लिट हो जाएगी तो ये जो बाकी लाइन की जो पीछे वाली वीडियो है वो तो सिंपल चलती रहेगी, जो आगे बड़ी वाली दोस्तों बड़ी वाली वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। सिंपल दोस्तों उसके लिए माउस का एरो जो वीडियो के ऊपर रखना है, और उसके बाद अपने को सिंपल एडिट का ऑप्शन में जाना है, लेफ्ट क्लिक करके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा उसमें जाना है। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन है, जो स्पीड है इस वीडियो की, वो बढ़ा देनी है। स्पीड बढ़ाने के बाद दोस्तों होगा क्या, जो वीडियो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, और आपको इस एडिट के ऑप्शन में काफ़ी सारे एडिट का ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो के कलर वगैरह इनहेंस करना, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, स्पीड वगैरह, बाकी सारे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटो इनहेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर आप जाके क्लिक करें तो वो राइट हो जाएगा, तो ऑटो इनहेंस आपको कुछ अपने वीडियो में देखने को मिल जाएगा अपने आप। और अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो मुझे अभी सब सही लग रहा है, तो इस वजह से मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ तो किस तरह से वीडियो चलेगी। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो चलेगी, मुझे ये बिल्कुल सही लगी है वीडियो, और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप अपने को अपनी वीडियो में म्यूजिक डालना है, म्यूजिक डालने के लिए आप सिंपल ऑप्शन पे जा सकते हैं, आप फिल्मोरा का म्यूजिक ले सकते हैं, और अगर आपको अपना कोई म्यूजिक चाहिए तो आपको सिंपल इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये म्यूजिक चला के दिखाया था कि फिल्मोरा का म्यूजिक कैसा है, और इससे आपको कॉपीराइट नहीं। तो दोस्तों मेरे पास एक अलग से गाना है मेरा, मैं उसको लगाऊंगा, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैं इन गानों को अच्छे नहीं लगते मुझे लगाना, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है वो गाना, उस गाने को मैं लगाऊंगा अभी आपके सामने ही। तो डाउनलोड में गया हूं मैं, अपने गाना ढूंढ लेता हूं कि कहां पर है मेरा गाना, उसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। सिंपल उसको ओपन करना, यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप के हिसाब से अपना ये यहाँ पर लगा दिया, तो कुछ इस तरह के गाना है मेरा, आप भी सुन लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. मैंने अपना गाना लगा लिया है, आप बताना मुझे जरूर गाना कैसा है। तो दोस्तों अब मैं वो करना क्या है कि मैं आपको मेरी वीडियो दिखा देता हूँ कि इसको आगे जाके मतलब कि कुछ इस तरह से है ये वीडियो। तो ये जो बड़ी वाली जो दूसरी वाली वीडियो है इसको डिलीट करनी है, तो मैंने सिंपल लेफ्ट क्लिक करके डिलीट कर दिया, क्योंकि वो वीडियो दोबारा से रीटेक हो रही थी, कि मतलब वो दोबारा वाली वीडियो थी। तो इसको मेरे को सिंपल क्या करना है, कट करना है, इसकी भी ऑडियो अटैच करनी है, क्योंकि इसकी भी ऑडियो बेकार है, इसको डिलीट कर दिया मैंने। तो अब शुरू से एक बार वीडियो चला के देख लेता हूँ कि किस तरह से है। तो दोस्तों मेरी जो नाइट वाली वीडियो है काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसको स्प्लिट करके डिलीट करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको स्प्लिट करना है, उसको डिलीट करना है। दोस्तों जितनी वीडियो आपको काटनी है वहाँ पर आप इसको पॉज कर दीजिए, और ये कैंची वाले मतलब यहाँ पॉज कर दिया, और ये कैंची वाले निशान पे चले जाना इस पे, और ये कट हो जाएगी वीडियो, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो जो भाग आपको नहीं रखना उसको सिंपल लेफ्ट क्लिक,
और दोस्तों आप सिंपल अपनी अलग से ऑडियो भी डाल सकते हैं, माइक के निशान पे जाके आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने माइक के द्वारा ऑडियो रिकॉर्ड करके आराम से अपनी नई नई ऑडियो डाल सकते हैं कोई। और सिंपल दोस्तों टेक्स्ट में जाके अगर आप देखो, टेक्स्ट में जाएंगे अभी अपन, टेक्स्ट में जाके अपन टाइटल भी दे सकते हैं अपनी वीडियो को, जैसे कोई भी टाइटल देना हो, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो को टाइटल दे सकते हैं। और यहाँ पे काफी सारे टाइटल है जिनको आप डाउनलोड करके नए नए टाइटल बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कुछ इस तरह से आप अपनी वीडियो को टाइटल दे सकते हैं। जैसे ये लिखा है योर टाइटल इज हियर, तो इस पर आप डबल क्लिक करोगे ना टाइटल इज हियर पे, तो यहाँ पे मैंने टाइटल लगा दिया है। और जैसे मैंने इसकी जो नीचे इस पर डबल क्लिक करा योर टाइटल इज हियर, तो यहाँ पे अपने को लिखने का ऑप्शन आ गया। सिंपल अपने बैक स्पेस से अपने को ये हटाना है, योर टाइटल इज हियर ये जो लिखा हुआ है ये इसको हटाना है और अपना नाम लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है प्लस माइनस टेक्स्ट, क्योंकि मैं अपने चैनल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके नीचे आ रहा है ना योर टेक्स्ट इज हियर, आपका जो भी टेक्स्ट आप जो भी आपको लिखना है, सब्सक्राइब लाइक जो भी आपको लिखना है नीचे आप लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ जैसे सब्सक्राइब और एक लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक, तो दोस्तों मैंने ये लिख दिया है। दोस्तों मैंने ये लिख दिया है और आप अपने चैनल का नाम भी दे सकते हैं, जो भी आपके चैनल है या जो भी आप अपनी लिखना चाहते हैं, जो भी आप अपने वीडियो में आगे लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने तो अपने चैनल का नाम लिख दिया। और ऐसे ऐसे टेक्स्ट के कुछ अलग अलग रंग भी आप बदल सकते हैं कुछ इस तरीके से, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे एक वीडियो एडिटर है, इसको मैं भी यूज़ करता हूँ। तो दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगा कि एडवांस ऑप्शन क्या क्या होते हैं। दोस्तों आप चला के देख लेते हैं, सिंपल इस कुछ इस तरीके से अपना आ जाएगा ये। और बाकी के दोस्तों मैं और ऑप्शन भी बताऊंगा आपको कि आप कैसे और भी अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव वगैरह बना सकते हैं, काफी अच्छी बना सकते हैं। दोस्तों अब अपन आ जाते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन में जाके अपन काफी सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि अपन पीपीटी में देते हैं कि किस तरीके के इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके के, जैसे मेरी वीडियो में चल रहा है मैंने ये वाले इफेक्ट लगाया है एक, और मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आप जैसे क्लिक करके सिंपल जैसे कि इसको क्लिक करा और इसमें प्ले करके देख लिया, कुछ ऐसे ऐसे इफेक्ट्स अपन अपनी वीडियो में डाल सकते हैं, तो आप भी देख लीजिए ऐसे ही इफेक्ट्स हैं जो अपन अपनी वीडियो में डाल सकते हैं। और बहुत सारे इफेक्ट्स हैं दोस्तों, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है इफेक्ट्स का, आप डाल सकते हैं अपनी वीडियो में, तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी अलग अलग वीडियो में। जैसे जैसे आप चैनल पर मतलब अलग अलग अपनी वीडियो डालोगे तो अलग अलग इफेक्ट्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये कुछ फिल्टर्स हैं, ये भी आप अपनी वीडियो में लगा सकते हो, जैसा कि मैं आपको मेरी वीडियो में लगा कर दिखा दूंगा कि कैसे फिल्टर्स हैं, किस तरह के आप लगा सकते हो। कुछ इस तरह के फिल्टर्स हैं जैसे अपन उसमें यूज़ करते हैं ना अपने फोटोज़ वगैरह में, तो इसी तरह के फिल्टर्स हैं। और ये बॉर्डर भी आप लगा सकते हो दूसरे वाले ऑप्शन में जाके, ओवर ले ऐसे कुछ ऑप्शन है, तो इसमें जाके आप ये बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हो कुछ इस तरह से जैसे मैंने लगाया है। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने सारे इफेक्ट्स हैं, करीब 150 के करीब यहाँ पे इफेक्ट्स हैं जो आप लगा सकते हो। सिंपल डाउनलोड करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने को लगा लेना है। और दोस्तों एक ये वाले इफेक्ट्स भी हैं कुछ, जैसे कि वाटरमार्क टाइप में इफेक्ट्स हैं, ये भी आप लगा सकते हो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और क्रॉप कर लेना जहाँ भी आपको टेक्स्ट चाहिए और आपको लगा लेना है ये। तो दोस्तों जहाँ भी आपको अच्छा लगे टेक्स्ट आपको वहाँ पे लगा लेना है। जैसे कि मुझे बीच में अच्छा लग रहा है तो मैं शुरू से चला के देख लेता हूँ, मैंने इसे लगा दिया है कि किस तरह से ये वीडियो बनेगी। दोस्तों मेरे साथ आप भी देखिए किस तरह से ये वीडियो बने, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए। कुछ इस तरह की से टेक्स्ट लिखा आएगा बीच में थोड़ी सी देर के लिए, करीब 5 सेकंड के लिए आएगा आपको। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है बहुत सारे टेक्स्ट हैं, वाटरमार्क भी आप अपने लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो दोस्तों, काफी सारे टेक्स्ट है, 100 से ऊपर टेक्स्ट है। और दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, स्प्लिट स्क्रीन मतलब कि एक साइड अलग वीडियो चल रही है एक साइड अलग वीडियो चल रही है, तो आप वो भी इसमें कर सकते हो, काफी अच्छे की सॉफ्टवेयर है। दोस्तों एक्सपोर्ट की तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट की मैंने वीडियो अलग से बना रखी है कि विदाउट वाटरमार्क फिल्मोरा में अपन कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्री वाले में, क्योंकि दोस्तों अगर आप वैसे एक्सपोर्ट करोगे ना बिना उस वीडियो को देखे तो आपके क्या वाटरमार्क आएगा, फिल्मोरा बहुत बड़ा बड़ा लिखा आएगा तो वो एकदम भद्दी वीडियो लगती है। तो इसी वजह से डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो जाके, तो आपको वाटरमार्क हटाने को मिल जाएगा। तो दोस्तों दोनों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, इससे काफी मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों अब अपनी वीडियो देख लेते हैं कि अपनी वीडियो एडिटिंग में अपनी वीडियो कैसी बनी है। Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I.